Hello and welcome everyone. Hi dear students, how are you doing? Dear students, in this lecture we are going to discuss about the last problem of the chapter Fundamental of Partnership Firm. Today we have choosed a mixed nature problem, that means partners are having different entitlement. बेटे आज हम जो accounting problem discuss करने जा रहे हैं वो हमारे Fundamental of Partnership Firm chapter का last accounting problem है. यहाँ हमने एक मिश्रित प्रकृति की problem को, समस्या को चुना है जहाँ हर एक partner को अलग अलग प्रकार के अधिकार दिए गए हैं partnership deed के द्वारा. कुछ partners को profit में shares प्राप्त करने का अधिकार है, हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है, वहीं कुछ partners को salary, commission, etc. का right दिया गया है. यहाँ हमसे पूछा गया है कि अगर हमें पार्टनरशिप डीड बोले कि हमें डिफरेंट काइंड ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं, उस कंडीशन में हम उन बेनिफिट्स के कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे. सो आए जानने का प्रयास करते हैं इस अकाउंटिंग प्रॉब्लम के माध्यम से, दैट हाउ वी विल प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू सच काइंड ऑफ वेरियस बेनिफिट्स दैट आर एनश्राइंड थ्रू द पार्टनरशिप डीड. हियर वी आर हैविंग द प्रॉब्लम, पी क्यू एंड आर आर इन पार्टनरशिप, P and Q are having right to get profit share in 4:3. बेटे तीन साझेदार हैं P, Q, R. उन तीनों में से दो पार्टनर्स को तो क्या अधिकार दिया गया है, P और Q को अधिकार दिया गया है कि वो लाभ को 4:3 में बांट सकते हैं, जबकि जो R पार्टनर है उसको एक कंपोजिशन दिया गया है, उसको एक अल्टरनेट दिया गया है कि वो दो या तीन चीजों के कॉम्बिनेशन में से एक को चूज कर सकता है. और वो कौन से राइट को चूज करेगा, जो राइट उसको मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करे, जहां से अधिक राशि प्राप्त हो जाए. देखिए आर का क्या कंपोजिशन है, आर विल गेट आइदर दो चीजों में से एक चीज चुनने का उसको अधिकार है, 20,000 एज एनुअल सैलरी प्लस 10% कमीशन ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द सैलरी एंड कमीशन, या तो 20,000 रुपए का वार्षिक वेतन उसको मिलेगा प्लस 10% कमीशन लाभ में से उसकी सैलरी और कमीशन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद. ठीक है, सेकंड बेनिफिट क्या दिया गया है, 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट व्हिच एवर इज मोर. इन दोनों में से या तो 20,000 रुपए की सैलरी प्लस 10% कमीशन लाभ पर, उस लाभ पर जो उसकी सैलरी और कमीशन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद आएगा. यहां सैलरी की अमाउंट तो हमें पता है लेकिन कमीशन की अमाउंट हमें नहीं पता है. ऐसी दशा में हम क्या करते हैं, जो बेनिफिट हमें पता होता है उस बेनिफिट को सब्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया जाता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट से, क्योंकि वो इंक्लूसिव प्रॉफिट होता है, उसी के अंदर हमारा कमीशन छिपा होता है. उस कमीशन को सेपरेट करने के लिए हमें रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना पड़ता है, ताकि हम कमीशन को सेपरेट करके उस लाभ पर पहुंच पाए जिस लाभ पर उस दर से वो कमीशन बिल्कुल सही सटीक बैठता है. फिर सेकेंड बोला गया है इसके अंदर, या लाभ का 1/6%, 1/6 ले ले या तो लाभ का, या फिर 20,000 प्लस कमीशन की जो भी राशि है वो प्राप्त करें. इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो क्लेम किया जाएगा आर के द्वारा. और क्वेश्चन में आगे कहा गया है, एनी एक्सेस ऑफ लेटर ओवर फॉर्मर विल बी बोर्न बाय पी एंड क्यू इन 3:2 ratio. अगर लाभ में हिस्सा 1/6 हिस्सा उसके सैलरी और कमीशन से ज्यादा आता है तो वो जो ज्यादा अमाउंट है वो पी और क्यू को बर्दाश्त करना पड़ेगा, उनको बेयर करना पड़ेगा, उनको अपने प्रॉफिट शेयर से वो सेक्रीफाइस त्याग करना पड़ेगा. किस अनुपात में, अलग से अनुपात दे रखा है जो उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो से डिफरेंट है, दैट इज गोइंग टू बी 3:2 में वो उस डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे. सो आए हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, टोटल प्रॉफिट का हमें पता होना चाहिए जो साझेदारी संस्था ने अर्न किया है. यहां पर मेंशन कर रखा है फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹385,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग सैलरी टू द आर. यहां पर ये चीज काफी इंपोर्टेंट है जो दी गई है, आफ्टर प्रोवाइडिंग सैलरी, दैट मीन्स दिस इज नॉट गोइंग टू बी द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनरशिप फर्म. ये कुल लाभ नहीं है, इसमें से सैलरी को सब्सट्रैक्ट कर रखा है उन्होंने पहले से, फिर लाभ को प्रदर्शित कर रखा है. यहां हमें टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर जाएंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, इसके अंदर वो सभी बेनिफिट्स ऐड करने पड़ेंगे जो इसमें से सब्सट्रैक्ट कर रखे हैं. यहां केवल एक ही बेनिफिट सब्सट्रैक्ट कर रखा है, दैट इज गोइंग टू बी सैलरी ऑफ आर. आर की सैलरी को सब्सट्रैक्ट कर रखा है जो ड्यूरिंग द ईयर हम उसे प्रोवाइड कर चुके हैं एज अ मोटिवेशनल टूल, क्योंकि उसको भी अपने लाइवलीहुड के लिए काफी ज्यादा कंसर्न होता है. तो ऐसे दशा में हम कुछ ना कुछ बेनिफिट पार्टनर्स को प्रोवाइड करते रहते हैं, जो एक्चुअल उसका कमिटेड शेयर्स आता है वो हम एट द एंड ऑफ ईयर ही रिजोल्व कर पाते हैं. सो अब हम एक्चुअल प्रॉफिट डिसाइड कर लेते हैं. सबसे पहले तो एक्चुअल प्रॉफिट 385 प्लस 20,000 सैलरी दैट हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड टू द आर, सो इट वुड हैव बीन 4,05,000. 4,05,000 रुपए का संस्था को कुल लाभ
है। अब हम आर के दोनों बेनिफिट कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा बेनिफिट उसके लिए ज्यादा रहेगा, सुटेबल रहेगा। फर्स्ट बेनिफिट कैलकुलेट करते हैं हम, दैट इज फर्स्ट थिंग तो हमें पता ही है, सैलरी ₹20,000। पहली चीज उसको सैलरी मिलेगी ₹20,000 पर एनम, दैट इज वार्षिक दर से। दूसरी चीज है उसका कमीशन, और कमीशन हम लाभ में से सैलरी और उसके कमीशन को सब्सट्रैक्ट करने के बाद वाला अमाउंट पे कमीशन देंगे। तो यहां कमीशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉफिट है हमारा टोटल उसमें से सैलरी को लेस करना पड़ेगा। कितना प्रॉफिट आएगा आफ्टर सैलरी, 385 का हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब इसके अंदर से हमें कमीशन को भी सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। कमीशन को सब्सट्रैक्ट करने के बाद वाला जो लाभ आएगा उस पर कमीशन देना है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें पता नहीं होता कि कमीशन की एक्चुअल राशि कितनी है, हम क्या करते हैं, हम उसको इंक्लूसिव फॉर्म में डिनोमिनेटर के थ्रू शो करते हैं। यहां जो रेट दे रखी है कमीशन की उसको मेंशन करेंगे, द रेट ऑफ कमीशन वुड बी 10%। हम रेट 10 है हमारी, यहां हम ये मान लेते हैं कि 100 तो ये अमाउंट है हमारी प्रॉफिट की, प्लस 10 इसके अंदर कमीशन है, इट इज गोइंग टू बी 110, 110 माना जाएगा इसको। हियर वी हैव टू कैलकुलेट हिज कमीशन, दैट इज गोइंग टू बी 35,000 रुपीज का उसका कमीशन हो गया। टोटल बेनिफिट अंडर फर्स्ट क्लास वुड बी ₹55,000। जो हमारा फर्स्ट क्लोज दे रखा है ना, उसके अकॉर्डिंग उसका जो फुल लाभ बन रहा है वो 55,000 रुपीज बन रहा है। अब हम सेकंड बेनिफिट को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारा दूसरा लाभ उसको मिल सकता है, दैट इज गोइंग टू बी 1/6 ऑफ द प्रॉफिट। और प्रॉफिट हम यहां टोटल प्रॉफिट, दैट इज इन पीएनएल, पीएनएल के अंदर जो हमारा कुल लाभ है उसी को शामिल करेंगे, इट इज गोइंग टू बी 4,05,000 इंटू 1/6, इसका 1/6 हिस्सा। This is going to be 60,500. देखो यहां पर जो हमारा सेकेंड क्लोज में बेनिफिट है, दैट इज 1/6 ऑफ द प्रॉफिट, वो ज्यादा है किस बेनिफिट से, फर्स्ट क्लोज वाले बेनिफिट से, 20,000 प्लस ₹35,000 का कमीशन। ज्यादा कितना है वो डेफिशिएंसी कहलाएगा हमारा, ज्यादा है 12,500। जो हमारा प्रॉफिट शेयर है वो हमारे सैलरी और कमीशन से 12,500 है। इस 12,500 को पी और क्यू के द्वारा वहन किया जाएगा, किस रेशो में, जिस रेशो में उन्होंने गारंटी प्रोवाइड कर रखी, दैट इज 3:2। मतलब इस 12,500 के 5 हिस्से हम करेंगे, इस शेयर वुड बी 2,500। 3 हिस्से कौन बेयर करेगा अपने प्रॉफिट में से, सेक्रीफाइस करेगा पी, दैट मीन 7,500 रुपीज पी के प्रॉफिट से डिडक्ट करेंगे, और 5,000 रुपीज दो शेयर हम किससे डिडक्ट करने वाले हैं, क्यू के अकाउंट से। सो यहां हम जब एक्चुअल बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे कि पी और क्यू को कितना मिलना चाहिए, तब हम उनके बेनिफिट में से ये सब्सट्रैक्ट कर लेंगे जो उन्होंने डेफिशिएंसी का प्रोमिस कर रखा है। सो लेट अस कैलकुलेट अबाउट द शेयर इन प्रॉफिट दैट एवरी पार्टनर हैज एंटाइटलमेंट टू। सो सबसे पहले आपको वो प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा जो पी और क्यू के लिए डिस्पोजल पर अवेलेबल रहेगा, मतलब उनके लिए अवेलेबल रहेगा कि वो अपने लाभ हानि अनुपात में बांट लें। ऐसा कैसे कैलकुलेट किया जाता है बेटे, आप इसको बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट फॉर पी एंड क्यू, क्योंकि प्रॉफिट में लाभ और हानि प्राप्त करने का अधिकार केवल किसको है, पी और क्यू को है। जो आर है उसको तो उसका बेनिफिट गारंटेड दिया गया है। सो अब हम कैसे कैलकुलेट करें, प्रॉफिट हमारा कितना दे रखा है 4,05,000, इसमें से हमें जो मिनिमम बेनिफिट होता है ना वो सब्सट्रैक्ट करना होता है। मिनिमम बेनिफिट कौन सा है हमारा, 55,000 रुपीज, ठीक है। डेफिशिएंसी की गारंटी उन्होंने दे रखी है कि अगर इन दोनों राशियों में से ये राशि अधिक हुई, और जो अधिकता आएगी उसकी गारंटी उन्होंने दी है 3:2 के अंदर। सो वो अधिकता तो उनके प्रॉफिट शेयर से हम चार्ज कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम बेनिफिट कितना दे रखा है यहां पर आर को, 55,000। सो यहां हमें जो हमारा टोटल प्रॉफिट है, वी नीड टू सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इट ₹55,000, सो एज वी कैन कम आउट टू द डिविजिबल प्रॉफिट। सबसे पहले हमें जो हमारा कुल प्रॉफिट है 4,05,000 रुपीज, उसमें से जो मिनिमम गारंटी दे रखी है 55,000 रुपीज, वो तो उसको मिलेगा ही हर हाल में,
दैट इज गोइंग टू बी रुपीज 3,50,000। ये लाभ बचा है पी और क्यू के लिए जिसको उन्हें 4:3 में विभाजित करना है। दैट मीन 7 शेयर पे वो डिवाइड करेंगे, 4 हिस्से किसको दिए जाएंगे पी को और 3 हिस्से किसको दिए जाएंगे क्यू को। सो लेट्स डिवाइड इट इनटू 7 पार्ट्स, गोइंग टू बी 50,000 ईच। सिंपल कैलकुलेशन आपको दे रखे हैं, राउंड फिगर्स में दे रखा है। 4 हिस्से अगर हम पी को प्रोवाइड करते हैं दैट इज गोइंग टू बी रुपीज 2,00,000। ठीक है, 50,000 इंटू 4 रुपीज 2,00,000। पी का हिस्सा आ गया हमारा 2,00,000 रुपए, जबकि क्यू का हमारा हिस्सा आया है रुपीज 1,50,000 और आर का जो मिनिमम शेयर है दैट इज 55,000। लेकिन उसका ये हिस्सा नहीं लेगा वो, क्यों नहीं लेगा? क्योंकि पार्टनरशिप डीड ने बोल रखा है दैट ही विल गेट आइदर 20,000 सैलरी पर एनएम प्लस कमीशन 10% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच बेनिफिट्स और 1/6 ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज मोर, जो ज्यादा रहेगा या तो लाभ का 1/6 हिस्सा या फिर सैलरी और कमीशन, वो क्लेम करने वाला है। और अगर लाभ का हिस्सा सैलरी कमीशन पे ज्यादा रहा उसको डेफिशिएंसी मानेंगे और डेफिशिएंसी किससे कलेक्ट करेंगे पी और क्यू से। सो 55,000 तो मेंशन कर लिया हमने, बट यहां पर 12,500 से लाभ का हिस्सा अधिक आया था, वो 12,500 हमें इसमें एड करना पड़ेगा और किससे कलेक्ट करेंगे पी और क्यू से कलेक्ट करेंगे। 12,500 को हमने कैलकुलेट किया था 3:2 में कलेक्ट करना है, मतलब 7,500 हम चार्ज करेंगे पी से और 5,000 रुपीज हम चार्ज करेंगे क्यू से। सो एक्चुअल शेयरिंग प्रॉफिट कितना आएगा यहाँ पे 1,92,500 फॉर पी। व्हाट अबाउट क्यू? 1,45,000 फॉर क्यू एंड व्हाट अबाउट आर? 67,500। In this way, you will solve such kind of numerical. You are enjoying our lecture. In that case, you must share this video among your friends and you also should subscribe our channel. Thank you very much for being with us. Very soon, we are coming with the lectures of second chapter. That means the change in profit and low sharing ratio. In that chapter, you will have more than 18 very interesting concepts about which you must gain knowledge about. It will facilitate your further understanding of partnership curriculum. Thank you very much for being with us. Stay safe, stay home.